पहाड़ी के ऊपर बना हुआ घर बड़ा ही सुंदर लगता है, बड़े शानदार शानदार घर लगते हैं। और पहाड़ी के नीचे भी लोगों के घर बने हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर घर लगते हैं, और वो भी देवदार के पेड़ों के तलहटी में लोगों ने घर बना रखे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर वातावरण है ये पहाड़ी के ऊपर हो गया, और साथ ही साथ पहाड़ी के नीचे घने बिल्कुल देवदार के वन हैं, और एक से एक सुंदर वनस्पतियाँ यहाँ पर हैं। इन वनस्पतियों में भी अलग अलग के प्रकार के पत्ते आते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल आते हैं, और फ्लावरिंग सीजन तो अब लगभग समाप्त हो गया है, अब कुछ ही रह गया है फ्लावरिंग का। इस प्रकार से यहाँ के लोग जो हैं प्रकृति का आनंद खूब लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है किसी प्रकार का कोई अंतर्विरोध नहीं है, जो ये चाहते हैं वैसा करते हैं, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई जुड़ाव छिपाव कुछ नहीं है। ये नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया से कोई मतलब नहीं, जो अच्छा लगता है वो करते हैं और जो अच्छा नहीं लगता है उसे नहीं करते, चाहे कोई कितना ही कह ले उसे बिल्कुल मना कर देते हैं। तो ये खूबियाँ हैं, हर किसी के घर के ऊपर अपना यट लगी रहती है गाड़ियों में, और सामान कैरियर के लिए बड़े बड़े ट्रक से लगे रहते हैं। ये आगे घर है, इसमें लिखा हुआ है गवर्नर कल्प, पता नहीं गवर्नर है या कुछ और वो है, जो भी है घर लगता है किसी पुराने, बड़ा सा घर है, पुराने टाइप का घर है, और बड़ा ही सुंदर रमणीय घर लगता है। यहाँ पर बहुत बड़ा बाड़ा इन्होंने बना रखा है, इस बाड़े में इन्होंने अपने कुत्ते खोल देते हैं ताकि कुत्ते भी फ्री होकर खेलें कूदें और कहीं इधर उधर जाने की भी आवश्यकता न पड़े। और खुशी में तो जैसे आज यहाँ का स्वतंत्रता दिवस है, तो एक हफ्ते पहले से इन्होंने अपने घर के आगे मेन एंट्रेंस पर अमेरिका का झंडा जो है दरवाजे पर लगा दिया है। कई लोग तो जैसे ध्वजा को ध्वजदंड में ही लगाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मेन एंट्रेंस पर लगा के रख दिया। ये दिखाता है कि इन्होंने अमेरिका से कितना प्यार है। और ये बास्केटबॉल का पोल है, किसी को आवश्यकता शायद नहीं है तो उन्होंने छोड़ दिया कि अन्य कोई व्यक्ति से लेके जा सकता है। ये यहाँ का पोस्ट बॉक्स है, हर किसी के अपने अपने पोस्ट बॉक्स हैं। ये तो ड्राइव केयरफुली लाइव किड्स लाइव लिव हियर लिखा हुआ है कि बच्चे रहते हैं और पैट से खेलते रहते हैं, इसलिए आराम आराम से चलाएं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। ये अंदर को एक कम्युनिटी और है, बहुत अच्छी चौड़ी चौड़ी रोड, भले ही एक ही तरफ रास्ता है और एक तरफ को अभी घर नहीं बने हुए हैं। ये गुलाब के पहाड़ी, गुलाब के फूल बहुत ही शानदार, आगे सेब के पेड़ लगाए हुए हैं उन्होंने अपने लॉन में किनारे किनारे फेंस के तौर पर। हर जगह रोड जहाँ पर समाप्त तो होती है वहाँ पर स्टॉप का साइन रहता है। स्टॉप का मतलब आप रुकिए, देखिए कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है कि जिससे टक्कर होने की संभावना हो जाए, तो उसके बाद ही आगे बढ़ें। और हर जगह रोड पर यह जब लगे रहते हैं नाम वाम कि कौन सी रोड है किधर जा रहे हैं, जैसे इधर की तरफ को जो साइन लगा है उसमें बॉल्डविन रोड लिखा है, और फिर दो बोर्ड लगे हैं बेलफ्लावर रोड, एक में एस लिखा है तो साउथ मतलब हुआ वो साउथ की तरफ को इशारा कर रही है, दूसरी तरफ नॉर्थ मतलब दूसरी तरफ नॉर्थ है। ये जो है सामने लोगों का जो घर में फालतू जो सामान हो जाता है उसे घर में रखने के बजाय लोग ऐसे रख देते हैं ताकि कोई भी फ्री में उसे उठा ले जाए, जिसे भी उसकी आवश्यकता है तो वो उठा के चल जाए। ये किसी का प्राइवेट एरिया है, उन्होंने अपना बोर्ड लगा रखा है कि ये हमारा प्राइवेट एरिया है। ये जो ज़मीन है ये शायद बिकाऊ है, तो यहाँ पेंडिंग का बोर्ड लगा हुआ है एंड फॉर लैंड फॉर सेल लिख के। तो ये जो यहाँ की प्रक्रिया है बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया होती है, इसमें नोटिस लग जाता है, यदि किसी को इस ज़मीन के बिकने पर कोई ऑब्जेक्शन हो तो अपनी ऑब्जेक्शन सरकार के पास दर्ज कर दे, और सरकार जो है फिर उसे बेचने से रोके जब तक उसका समाधान न हो जाए। और यदि
उस दौरान तक शायद 6 महीने है या 1 साल है, उस दौरान यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहती है तो उसके बाद जो है उस फ्री कर दिया जाता है, यानी कि ज़मीन बिक गई। अब ये उत्तर लेंस लगा हुआ है रोड पर ताकि कोई भी आए तो उसे पता चले क्या है कौन सा है। वॉक पर लोग निकले हुए हैं अपने डॉगीज को लेके, और इस प्रकार से डॉगीज के सामने चल रहे हैं। हाय हाय, कई लोगों की वॉक हुआ हो गई है क्या? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, उनका सेम ठीक है। ओह थैंक यू। हाय, मैं कहते हूँ दूर दूर है तो ऐसे दिखा दो। क्या दूर? ये कट क्यों नहीं हो रहा?